दोस्तों, यदि आपके पास कोई टीवी है, एलजी का हो, सैमसंग का हो, कोई भी कंपनी का हो, स्मार्ट टीवी है, कोई भी टीवी है, तो आप उसमें जो कह यूएसबी का पोर्ट बना हुआ है, तो आप उसमें जो है कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट डिवाइस। देखो इसमें आप जो है इस प्रकार का अगर आप स्टैंड लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए इस प्रकार का स्टैंड पूरा घूम जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है, तो इसमें मैंने पूरा अपना कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ही लगा दिया है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये कैसे काम करता है इसको भी हम दिखा देते हैं आपको। इसको हम ऑन करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो इसको हम ऑन कर रहा हूँ, तो कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट का ऑप्शन आ जाएगा कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, HDMI सिलेक्ट करना है कि यूएसबी क्या सिलेक्ट करना है। आप इसको काम जो है रिमोट से कर सकते हैं आराम से। तो रिमोट से करने के लिए यहाँ पे देखो हमें, क्योंकि बटन से कर रहा हूँ तो इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है। देखो यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे आप यूएसबी क्लिक करके तो दोस्तों इस प्रकार आपको जो है इनपुट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको रिमोट से सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क ओपन हो जाएगी। तो आप जो भी यहाँ पे चलाना चाहें, गाना, म्यूजिक, जो भी आपने रखा है, मूवी, वेबसाइट, तो आप इस प्रकार से आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार आप पूरे हार्ड डिस्क को ही कंप्यूटर में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको।